दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। अक्सर सुनने में आता है, सुना होगा आप लोगों ने कहीं, या भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, अनयूजुअल चीजें जो दृष्ट नहीं है। वो कहते ना, हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ऊपरा हो गया, छुड़ैल आ गई, डाकनी आ गई, शंखनी आ गई, इस टाइप की चीजें बहुत सारी। और जो रिमोट एरियाज हैं, जो अबौद्धिक लोग हैं, वहाँ ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता क्या होती है कि अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी एक्स वाई जेड, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनका इमीडिएटली क्या होता है रिस्पॉन्स कि किसी ने कुछ कर दिया, कुछ अनयूजुअल है, कुछ ऊपरा है, कुछ अदृश्य चीज़ें। ये एक बहुत खास बात। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली एक बहुत ही अच्छा टोटका किया, बहुत ही अच्छा उपाय किया, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी, और जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका बिल्कुल एटॉमिक रिएक्शन है। आप भगवान ना करे किसी को अगर हो, तो आप इसको एक बार करें। अगर कहीं किसी आपके इष्ट मित्र या किसी परिजन के यहाँ हो रहा है कुछ अनयूजुअल, तो उसको करवाएं आप। चिरचिटा एक बहुत ही फेमस वनस्पति है, बहुत ही फेमस, हर जगह अवेलेबल है, इजली अवेलेबल है। मैं इसका चित्र भी दे रहा हूँ। ये अपामार्क नाम से भी जानी जाती है, और एचरेंथिस एम्पेरा नाम से भी इसको अगर आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो ये नेट पे मिल जाएगी आपको। ये आप पहले देख लें कहाँ उपलब्ध है, कहाँ मिल रही है। ये आप पुष नक्षत्र देख लें पंचांग में, इजली मिल जाएगा आपको। पुष नक्षत्र के दिन इसकी जहाँ लगी हुई है, इसको जड़ सहित थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा, डीप थोड़ा सा खोदना पड़ेगा, कोई शार्प चीज़ ले लें, उससे डीप खोद लें, जड़ सहित, उसकी जड़ टूटे नहीं, काफ़ी लंबी इसकी जड़ होती है नीचे गहराई तक, तो थोड़ा सावधानी से खोदना पड़ेगा। पुष नक्षत्र के दिन इसकी जड़ खोद लीजिए आप, और खोदने के बाद में जो इसका स्टेम है, तने वाला हिस्सा है, उसको 4 इंच 5 इंच 6 इंच काट लें, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन है इसका, पत्ते और इसका स्टेम वाला, वो कट जाएगा, अलग हो जाएगा, जड़ और 3-4 इंच 5 इंच स्टेम रह जाएगा आपका। इसको एज इट इज़ धोना नहीं है, मिट्टी उट्टी लगी होगी, गंदा है, जैसा भी है, आप अपने जो इफेक्टिव एरिया है, भवन है आपके, कोई प्रेमिसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स है, जहाँ भी है उस परिसर में, उस प्रेमिसेस में, ये कहीं अगर सुविधा हो धरती में गाड़ने की, है ना, कहीं ज़मीन में कोई क्यारी हो, कोई और कच्ची जगह हो, तो बहुत अच्छा है। मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं आज के ज़माने में कि वहाँ सुविधा नहीं होती दबाने की, तब फिर इसको किसी गमले में मिट्टी भरें और इसमें ऐसे दबाएँ कि जो जड़ है, जो रूट वाला पोर्शन है, वो अपवर्ड्स रहे, वो ऊपर रहे, और जो स्टेम है, जो 3-4 इंच का काटा आपने, वो नीचे चला जाए, वर्टिकली, वर्टिकल रहे, स्टेम नीचे हो जाएगा, जड़ ऊपर हो जाएगी, और इसको मिट्टी को पाट दें पूरी तरीके से, और पाट के ये इस तरह पाटे कि उसकी जड़ ऊपर से दिखाई नहीं दे, बिल्कुल समा जाए मिट्टी के अंदर, मात्र इतना करना है। और फिर सैटरडे को, अगर संभव हो तो प्रत्येक सैटरडे को, ट्यूसडे को, और पुष नक्षत्र के दिन, माह में एक बार, ये 27वें 28वें दिन में एक बार आता है पुष नक्षत्र, इन 3 दिनों में जो भी आपको सुलभ हो, जो भी आपको सहज हो, लौंग लीजिए 2 कपूर की टिक्की लीजिए, जलाइए, और जला के जो उनकी ऐश है वो इसी के ऊपर जहाँ आपने दबाया है ये वाला वनस्पति, इसमें ऊपर से छोड़ दीजिए, और अगर संभव हो तो जहाँ आपने ये दबाया है ये वाला पौधा वनस्पति, उसके ऊपर ही आप जला दीजिए, मात्र इतना, जो ऐश है उसी में मिलने दीजिए, मिट्टी में मिलती रहेगी ऐश इसकी, मात्र इतना आप करिए, और आपको देखिए कितना मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलता है इस छोटे से प्रयोग का। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल राजू। और प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो और इफेक्टिव लोग हैं, जो ईविल स्पिरिट्स से, जो और इस टाइप की अनयूजुअल चीज़ों से इफेक्टिव हैं, उनको, इफेक्टेड हैं, उनको रिलीफ मिले चीज़ से।